हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पुलाव। पुलाव कैसे बनते हैं। मार्केट में पुलाव की एक अलग चावल सी आती है, उस चावल को लेने के बाद वो लंबे लंबे होते हैं, उस चावल को लेने पुलाव कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, उसमें सामग्री में जो जो उपयोग होने वाले हैं उसको हम बताएंगे और कैसे बनाते हैं उसकी पूरी जानकारी देंगे। और सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से धो लें, और सबसे चावल जितना लेंगे उसका दोगुना पानी होना चाहिए। जैसे 4 गिलास हमने चावल लिया है, 4 गिलास चावल लिया, उसमें हम 8 गिलास पानी गरम करेंगे। अच्छी तरह से गरम करने के बाद उसको अलग से निकाल देंगे अलग बर्तन में। फिर चावल को धो करके अलग बर्तन में रख लेंगे। फिर अपना देसी घी, गाय को हो या भैंस को हो, घी को बर्तन में या उसको गर्म करेंगे। जैसे हमने कुकर में गरम कर रहा है घी को। घी को गरम करने के बाद उसमें हम सबसे पहले अच्छी तरह से घी निकाल लेते हैं। इसमें घी को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। फिर उसमें आपको काजू डालेंगे, किशमिश डालेंगे, और उसमें आपको खड़ा गरम मसाला होना चाहिए, सब खड़े होना चाहिए। डाल करके उसमें चावल जो धोए हैं उसमें कुकर में डाल करके उसको अच्छी तरह से भूजेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद चीनी लगभग में 50 ग्राम या 60 ग्राम चीनी देंगे, और ज़रूरत के अनुसार आप 10 आदमी खाने वाले तो 100 ग्राम चीनी देंगे। उसको अच्छी तरह से घी में भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद धीरे धीरे आँच में, मीठा आँच में भूनेंगे। फिर उसके बाद अलग बर्तन में थोड़ा सा प्याज को, अलग कढ़ाई में प्याज को भून करके उसको निकाल लेंगे। उसमें डालने के लिए प्याज को हल्का सा भूज करके वो निकाल करके अलग बर्तन में रखेंगे। उसको निकाल लिए अलग बर्तन में। देखिए प्याज को इस तरह से लाल होना चाहिए। निकाल लेने के बाद जो हमने कुकर में जो निकाले थे उसमें कुकर में एक सीटी जो पानी डाले थे उसमें तो 4 गिलास चावल में 8 गिलास पानी दे करके उसमें सीटी लगा देंगे। इसमें पनीर पुलाव मेरा तैयार हो चुका है। उसमें हल्का सा कलर डाल देंगे और थोड़ा सा एक या दो नींबू अपना डाल करके उसमें अलग से मिला देंगे। फिर उसको देखिए चावल मेरा, ये पुलाव मेरा बन के तैयार हो गया दोस्तों। ठीक है, ओके। देखिए पुलाव जो है मेरा तैयार हो गया। इस तरह से देखने को स्वादिष्ट लगेगा आपको खाने में। अच्छी तरह से पुलाव को अपना अच्छी तरह से आप भी बना के खा सकते हैं। पुलाव बन के तैयार हो गया, और देखिए पुलाव कितना अच्छा लग रहा है। इसमें कलर दे दिए थोड़ा सा, अच्छा बहुत अच्छा, थोड़ा सा नींबू भी डाल दिए। आप खाने में और स्वादिष्ट लगे।